तो चलो बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या कहते हैं, कि ये बेसिकली क्या कहते हैं, एक बिल्डिंग है, एक टेनिस बॉल है, ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ हाइट, मतलब यहाँ पर एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से एक टेनिस का बॉल गिराया जाता है, दिस इज द बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग से हमने एक, ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से हमने एक टेनिस का बॉल गिरा दिया। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्वर यहाँ से बॉल गिरा देता है, तो बॉल कहाँ जाएगी भाई? तो बॉल ग्राउंड पे ही आएगी ऐसे। लेकिन ये कहते हैं कि बॉल ग्राउंड पे आके दोबारा बॉल बाउंस की है, मतलब यहाँ से जब आई है तो इधर की डायरेक्शन में उसकी स्पीड V1 है, मतलब वेलोसिटी। अब जब बाउंस करेगी तो बाउंसिंग मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, तो जब वो बॉल बाउंस किया है तो वो स्पीड, दूसरे स्पीड V2, वेलोसिटी V2 से बाउंस किया है, और वो कुछ यहाँ ये वाली जो हाइट है वो 5 मीटर ही राइज किया है। तो ये हाइट 5 मीटर है और ये हाइट 9.8 मीटर है, तो ये वाली जो हाइट है वो 9.8 मीटर है ये, और यहाँ से u इक्वल टू 0 से ड्रॉप हुआ था। तो अगर u इक्वल टू 0 से ड्रॉप हुआ था तो चलो सॉल्व कर लो, तो ये एक्सलेशन कितना होगा? तो एक्सलेशन इक्वल टू क्या होता है? एक्सलेशन इक्वल टू होता है चेंज इन स्पीड और मल्टीप्लाइड बाई टाइम t, चेंज होने में जितना टाइम लगा हुआ। तो सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, तो यहाँ से हम देखोगे तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निकालो, तो फाइनल वेलोसिटी V1 जो है वो आ जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से 2gh अंडर रूट, तो 2 और g की वैल्यू 10 यहाँ ले लेते हैं, हाइट आ जाएगा 9.8 अंडर रूट, तो ये सब कुछ अंडर रूट है, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 14, और अगर इसको वेक्टर में लिखोगे तो ये आ जाएगा -14j। ठीक है ना, डायरेक्शन मतलब निगेटिव है, या नहीं तो इसको ऐसे ही लिख दो कि V1 की वैल्यू आ जाएगी -40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में निगेटिव ले लिया हूँ। उसी तरह से जब बॉल ऊपर जा रहा है तो फाइनली यहाँ पर आके स्पीड, फाइनल स्पीड क्या हो गया हुआ? 0। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ के लिए लगा दोगे दूसरे बाउंसिंग के लिए 2as, तो फाइनल स्पीड 0 का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड मान लो V2 से ऊपर गया है और 2, और यह आ जाएगा 10, और ये डिस्प्लेसमेंट 5, और ये सब कुछ। तो यहाँ से तुम देखोगे ऊपर की, ये नीचे लग रहा है तो ये माइनस माइनस एक कट गया, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन निगेटिव लिया, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ये 100 अंडर रूट, तो 100 अंडर रूट कितना होता भाई? 10 मीटर पर सेकेंड होता है, और जो V2 आ जाएगा वो +10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि जब बॉल बाउंस किया है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो अपवार्ड है। ठीक है, और कितना देर तक ग्राउंड के कांटेक्ट में रहा, समझ रहे? इस चीज़ को थोड़ा रुक के फील करो, सोचो भाई, कोई बॉल, कोई आदमी अगर गिरेगा, कोई मोटा आदमी गिर जाएगा छत से, तो बहुत देर तक सोया रहेगा, समझ रहे ना? तो ऐसे ही कुछ टाइम तक ग्राउंड के कांटेक्ट में रहा होगा। तो एक्सलेशन इज इक्वल टू चेंज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और जितना टाइम तक ग्राउंड के कांटेक्ट में, मतलब 0.25, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल 10 और माइनस इनिशियल और ये 14 और डिवाइडेड बाय 0.25, तो 0.25, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.2 कितना था, 0 ग्राउंड के कांटेक्ट में कितने टाइम तक था, तो 0.2 सेकेंड, 5 नहीं है, तो 0.2 सेकेंड तक था, ये 0.2 सेकेंड तक था। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जा रहा है। तो यहाँ से एवरेज एक्सलेशन 120 मीटर पर सेकेंड आ जा रहा है, जो कि एक अच्छा खासा एवरेज एक्सलेशन है। तो फाइनली यहाँ आ जाएगा 120। ये थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।